हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम MT-15 की ऑयल चेंज करेंगे, किस तरह से ऑयल चेंज होता है MT-15 का। तो यह है ऑयल फिल्टर, यामाहा जेन्यून है, इसके MRP है 247। और ये रहा कैस्ट्रॉल का अल्टीमेट पावर वन अल्टीमेट 10-50, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है, 844 MRP है। ये रहा 19 का बॉक्स, इसकी मदद से ड्रेन बोर्ड को खोल लेता हूँ अभी। लूज करके आप बॉक्स से बाद में हाथ से निकाल सकते हैं इजीली, बहुत ही इजी है। ये खुल गया है ड्रेन बोर्ड। इसमें 850 ml ऑयल होता करता है इंजन में। आपको ऑयल फिल्टर रिमूव करने के लिए ये जो 8 mm का टी लगेगा यहाँ पर, 1, 2, 3 बोर्ड को खोलना है। ये रहा ऑयल फिल्टर, ये रहा उसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पर अच्छी तरह से साफ कपड़े से क्लीन करके लेना है। उसके बाद ये जो होल रहेगा आगे की तरफ से रहेगा, इस तरीके से नहीं लगाना है आपको, आपको सिर्फ इस तरीके से लगाना है। ये जो होल आगे की तरफ करके आपको फिल्टर को इस तरीके से लगा देना है अंदर, बहुत ही इजी है। उसके बाद इस कैप को यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके यहाँ पर लगा देना है, बहुत ही इजी है। ऑयल फिल्टर इंस्टॉल हो गया। अब रहा ड्रेन बोर्ड, इसे आप अच्छे तरह से पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं। मैंने अभी इसे पेट्रोल से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं उसको उसके थ्रेड से अच्छी तरह से मिला के आपको टाइट कर लेना है, नहीं तो उसके थ्रेड में प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं अभी ड्रेन बोर्ड को इंस्टॉल कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ वहाँ पर केसिंग पे। तो ये रहा 10-50 कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट इंजन ऑयल। तो कस्टमर का कहना था एक बार उन्हें ये ऑयल ट्राई करना है, तो देखेंगे अभी परफॉर्मेंस कैसा है इस ऑयल का, चेक करेंगे। 1 लीटर का, 1 लीटर की जो बोतल है इसमें भी लगेगा 850 ml। फ्रेंड्स, तो हमने इसमें 850 ml ऑयल फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसे साफ करके यहाँ पर लगा देना है, बस हो गया ऑयल चेंज। और आप भी अपनी गाड़ी में इस तरीके से ऑयल चेंज कर सकते हो अपने घर पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलेंगे आपको इस तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।